लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत टेंशन में थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कौन है लड़का, मिली कहाँ था उससे? मैं उसे एक पार्टी में मिली, एनी वो सो हैंडसम यार, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। किस किस्म का आदमी है ये? मुझे तो तरस आता है उस लड़की पे जो इससे प्यार करेगी। तू प्यार के इतना एंटी क्यों? अगर कभी किसी हो गया तो क्या करेगी? प्यार तो तब होगा ना अगर किसी लड़की पर भरोसा हो। मम्मा नहीं है मुझे रही सड़कों में कोई इंटरेस्ट। डैड आपके सारे सपने मैंने पूरे करने, और वो जो आपका ब्रेक थ्रू मेडिसिन वाला सपना है ना, मैंने ही पूरा करना। मिस्टर रित्विक, मैं आपके रूम में आई थी। मेरा शू कलेक्शन देखने है। I have something better to show you. Oh God, how much I hate this man. मेरी लाइफ में ऐसे आदमी के साथ वास्ता कभी ना पड़े। Hi, I'm Sweetu. Who cares, sweetheart? वैसे भी नाम में क्या रखा है? I really like you. बड़ी talented हो यार तुम। अभी तो मिले? अभी से like कर लिया? आदमी की पहचान है मुझे। शायद मेरी स्टाइल की पहचान नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं आया मेरा स्टाइल? नहीं ऐसा नहीं है, पसंद है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अरे रोहित, अरे रोहित सुनना यार, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना यार, क्या हुआ क्या स्वीटू के साथ? इंसाफ हुआ बेटे, इंसाफ। अरे अरे इंसाफ मतलब? तू भी ना विज्जू, अपने सारे गेस्टाना छड़ के बेबे की गोद में आके बैठ गया है। बाहर सबके खाने का इंतजाम मैं करके आया हूँ, मेरे खाने का इंतजाम मेरी बेबे और मेरी तारी करेगी। और जब तक तारी के हाथ का बटर नान ना खा ले बिजू बाबा, उसकी भूख ही नहीं मरती। पता है तारी, जब ये दिल्ली से बाहर जाते हैं ना, तो वहाँ से भी कंप्लेन करते हैं कि तारी के नान के बिना भूख ही नहीं मिटी मेरी। पड़ोस की ये तारी 45 साल से बिजू बाबा के लिए बटर नान बना रही थी और आज भी बना रही है। आप मेरी माँ से कम है क्या तारी? इस बात पे थोड़ा सा मक्खन और बस कर तारी, बस कर। खाने देना बेबे, आज मेरा मुंडा मैनू रिटायर कर रहा है। तू और रिटायर, तू तो सबका टेंशन लेके बैठेगा। अरे आज के बाद नो टेंशन। देखो रेवा की शादी हो रही है, ऋषभ ऑलरेडी सेटल हो गया, ऋत्विक आज हो गया, बाकी बच्चे दोनों छोटे उनको ऋत्विक सेटल करेगा। मैं तो हो गया ना फ्री, ताकि अपनी बेटियों पे जासूसी कर सके। अरे अब जासूसी नहीं करूंगा, मेरी माँ नहीं करूंगा। गुड गुड, अब मेरा बेटा जासूसी करेगा। कुछ भी नहीं पता, जब बीजू बाबा के पास कुछ नहीं था ना, बस हम तीन उसके अपने थे। हम तीनों को अपने साथ लेकर बीजू बाबा ने गरीबी से अमीरी का सफर तय किया। ये महल देख रही, ये महल बिजू बाबा ने ईंट और पत्थर से नहीं, अपने दिल की धड़कनों से बनाया। Are you sure कि ये मुझ पे अच्छा लग रहा है? Stunning. मुझे नहीं पता था कि ऋत्विक नून की पसंद ऐसी है। मेरी गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम ही है, मुझसे ज्यादा अपने बालों को प्यार करती है। तुमने मुझे गर्लफ्रेंड कहा? Of course. On second thoughts, I don't know. अभी मुझे ये बहुत stylish लग रहा है, but कल मैं bore हो गया तो? What? तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हें बॉल लड़कियां पसंद है। अब नहीं है, मेरा मूड चेंज हो गया, जैसे तुम्हारा होता है लड़कों के मामले में। But I know कि तुम्हें लड़के टहलाने में बहुत मजा आता है। I don't mind it, but that's why मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ। ऋत्विक तुम बोल क्या रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। Boys, You guys are bloody losers. अरे अपनी इज्जत तुम खुद नहीं कर पा रहे हो, and we guys are losers. You know, you girls don't even surprise me anymore. तुम लड़कियों के अंदर ना एक कैलकुलेटर हो, जहां ज्यादा पैसा वहां तुम्हारी नजर। ये लड़का तुम्हें दिलो जान से प्यार करता है, तुमने क्या किया, इतनी आसानी से बोल दिया हाँ it's not working out, let's not be together. और उसके कुछ ही पल के बाद तुम कहो मेरे कमरे में, क्योंकि मैगजीन के कवर पर ऋत्विक नून की बैंक बैलेंस लिखा हुआ था, नीचे 500 लोगों की पार्टी चल रही है, तुम यहाँ सच में मेरा शू कलेक्शन देखने हैं? And how desperate can you be यार, मेरी खुशी के लिए तुमने ये सारे बाल कटवा लिए। एक्चुअली
तुम तो मुझे अपना सब कुछ देने जा रही थी, फिर ये तो एक छोटा सा सैक्रिफाइस ही है। Cheers. ऋत्विक यार, ये सब ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? ग्रेट, तुम लोगों को लगता है कि तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। बिल्कुल भी नहीं, तुम डीटो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम तक ना तुम्हारी नई विग बन गई होगी और अगले टारगेट का बैंक बैलेंस कैलकुलेट करके ना तुम उसका पीछा कर रही होगी। अच्छा है ना, अलग अलग विग्स, कभी ब्राउन, कभी ब्रुनेट, ब्लॉन्ड, ब्लू, जिसको जो पसंद है वैसा बनकर उसे पटा लेना यार। यू सी बेबी, इट्स ऑल अबाउट पैकेजिंग। एटलीस्ट जब तक तुम्हारे असली बाल नहीं आ जाते तुम्हें ये तो याद रहेगा कि एक जेन्युइन बंदे का दिल दुखाया तुमने। ओ हेलो, अपना लेक्चर अपने पास रखो समझे। तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल है क्योंकि तुम्हारे पास पैसे है, लुक्स है? यू मे बी राइट, पर तुम बस वहीं पे खत्म हो जाते हो। बस मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसके पीछे जाती हूँ। और तुम्हें एक बात बता दूं, तुम जैसे हो ना, अगर तुम्हारे बाप का पैसा तुम्हारे पास नहीं होता ना, तो कोई तुम्हारी तरफ पलट कर देखता भी नहीं। मिस्टर ऋत्विक नून, इडियट। ये प्रेस आईडी किसका है? यहाँ जर्नलिस्ट आई थी क्या? इंटरव्यू दिया किस किया? व्हाट सेटू, उस ऋत्विक नून का मैं खून कर दूंगी। वैसे भाई एक बात बताऊं, तुझे ना ऐसे उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। कोई दिल विल नहीं टूटा उसका, कोई दिल है ही नहीं इनफैक्ट उसका। ये बात हम दोनों जानते थे, तू नहीं जानता। एंड ब्रो रिलैक्स, बोल रही है वो अमीर लड़की है। इस वक्त ना दिल्ली का कोई टॉप सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट उसकी विग बना रहा होगा, सो रिलैक्स, इतना गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। शी वाज इनटू मनी। लड़कियां होती हैं ऐसी, अपने आप को ठीक कर। इनफैक्ट वी शुड थैंक अस, हमने तुझे बचा लिया है। ऋत्विक इज राइट एंड आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट हिज ब्रेकअप। एब्सोल्युटली, कॉल फॉर प्रिया। प्रिया चल चलना भूल, चलना यार। भाई मेरा मन नहीं हो रहा है। बैठ इतना स्ट्रेस मत ले लाइफ, ठीक है? अरे लेना यार बोलू, ये ले। ऋत्विक एक बात, थैंक्स मैन। तो औरतों से इतना नफरत क्यों करता है? मेरे दिल में किसी के लिए जगह नहीं। वो देख मेरी पूरी दुनिया है। चेस चेस ए चेस। और दादी आगे, मैं जा रहा हूं। हाँ देख उसे अमन, परफेक्ट भाई, परफेक्ट बेटा, जीनियस है, गुड लुकिंग है और अपने परिवार पे जान छिड़कने वाला। पर एक बात समझ में नहीं आती मुझे, जिस आदमी के दिल में अपने परिवार के लिए इतनी जगह है, इतना प्यार है, वो औरतों से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? कुछ तो कहानी है यार जो ऋत्विक हमें बताता नहीं, टालता जाता है। ओके, लेट्स गो रेट्रो गाइस। चलने दो ना जान, ये गाना अपनी जिंदगी के लिए ही बना है। बस तुम गाने सुनते रहो, गानों से जिंदगी नहीं बनती है। मुझे हारी हुई जिंदगी नहीं जीनी है, मैं जा रही हूँ। उसके पास एक बात तो सुनो है, जो तुम्हारे पास नहीं है, पैसा है उसके पास। तुम मुझे पैसों के लिए छोड़ के जा रही हो? हाँ, पैसों के लिए छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि पैसा सबसे जरूरी होता है जिंदगी में। जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, मेरे लिए पैसा जरूरी है। ओए डीजे, ओए डीजे, पंजाबियों की पार्टी है यार, पंगड़ा वंगड़ा लगा। ही, 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 ही।
चलिए ना पिक्चर्स क्लिक करते हैं। बेटा उनका फैमिली टाइम है, एंजॉय करने दो उन्हें। कमाल की फैमिली है ना, जान छिड़कते एक दूसरे पे। वो कहते हैं ना पैसा परिवार से दूर कर देता है, मतलब ही हो जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ देखिए, ऋत्विक नून का दिल किसी लड़की के पास हो या ना हो, ही मे बी हार्टलेस, लेकिन उसका दिल अपने परिवार के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कितना क्या सोच रही है यार, कम ऑन कॉफी पी, रिलैक्स रिलैक्स। सेतु आर यू इवन अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ क्या हुआ है? दैट गाय किस्ड मी, इट वाज नॉट अ म्यूचुअल किस, इट वाज अ हॉरिबल फीलिंग ऑफ माय लाइफ, इट वाज डिस्गस्टिंग, इट वाज यक। शांत हो जा गदादारी बीम, इट्स नॉट अ बिग डील यार। इट्स नॉट अ बिग डील, नॉट, इट्स नॉट इवन अ बिग डील। तुझे पता ना मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया है? तुझे क्या लगता है मैंने ये किस किस लिए बचा के रखी थी? सो दैट दिस इडियट वुड कम एंड ग्रैब मी एंड किस मी। हां मैं ओल्ड फैशन हूं, आई नो आई एम ओल्ड फैशन, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई वांटेड कि सही वक्त सही आदमी के साथ मैं किस करूं। इट वाज स्पेशल फॉर मी, उसने मुझसे वो भी छीन लिया यार। दिस इज अ पुलिस कंप्लेंट, आई शुड गो टू पुलिस स्टेशन। उसको मैं जेल के पीछे भिजवाऊंगी। क्या करेगी पुलिस स्टेशन जाके, क्या करेगी? मैं बोल रही थी कि उसने वो, व्हाट वर यू डूइंग देयर? I know यार, मेरे पास कुछ नहीं है उसके अगेंस्ट, कुछ भी नहीं है, बट मैं ना उसको खून कर सकती हूँ। इतनी नफरत है उस इंसान से। I'll go to jail. Listen, हमारे दो काम हो गए। एक, आरोही को हमने बचाना था, वो हमने बचाया, और दूसरा तेरे फर्स्ट किस की प्रैक्टिस हो गई। ओए अमन, ये जो डॉक्टर रेड्डी के लैब से सिग्नेचर्स आने थे, क्यों नहीं हुए अभी तक? ये देखो ना, पूरी फाइल अटकाई हुई। 4 महीने हो गए हैं तुमसे एक सिग्नेचर नहीं लिए जा रहे हैं। जयदा, मेरे लिए गर्म पानी और लेमन लेके आइए। ओए गर्म पानी, फिंगर बोल खाने के बाद यूज करते हैं। चाटा प्या, मैं पानी पीने के लिए मांग रही हूँ। अच्छा, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस। हाय, हे, गुड गुड, हाउ आर यू? लव यू। How cool is this summer? Celeb magazine is calling us the couple of the year. We're gonna look so hot on the cover. Hot तो तुम लगोगे, मुझे तो बस इस कोट में हॉट लगेगा। ये तो cute jokes मारते हो, see that's why I love you so much. क्या हो रहा है बरकुरदार? Hi Dad. Dad, वो जो अपनी एक्सीजन दवाई है, उसे medical experts ने अपनी stamp लगाई है, और ये government hospital इसे लटका के बैठा हुआ है। वो कह रहे हैं कि test results में discrepancy है। बड़े दिनों से परेशान करके रखा हुआ। आप टेंशन मत लो, मैं जाके उन्हें परेशान करता हूँ। यही तो चाहिए सी पुत्र। क्या हो रहा है? तुमने सारा दिन काम करते रहते हो। चलो ब्रेकफास्ट लग गया। क्या कर रहे हो पापा? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? वो किस कर रही है उसको? है तो क्या हुआ? उनकी शादी होने वाली है। देखो, शादी हो जाएगी तो कम वरी करूँगा, अभी तो जाके सीधा करता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं? अच्छा अंदर जाइए, अपनी दवाई खाइए और जल्दी से टेबल पे आ जाइए। जल्दी जाइए ना आप, कम ऑन। उफ मॉम, मैं ये सुधरेंगे ना, आप बोलना बंद करो। मैंने तो गिव अप ही कर दिया है। परफेक्ट। ओके एवरीबॉडी, चलो जल्दी आ जाओ सब लोग। मम्मी हां बेटा, से समथिंग क्यूट टू मी। क्यूट? मेरी शादी कितने बोरिंग बंदे के साथ हो रही है ना, सो सैड। अभी भी सोचूं? If you need space now, then why don't you sit in a rocket and just fly away? हाँ, joke, 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 दादी लाली दो। Listen, sports ना सिर्फ तेरा बहाना है। हाँ, लड़ते रहो तुम दोनों। वैसे भी वो room मैं ले रहा हूँ। I need a personal library. ये क्या अपने यार library वाले? ये क्या, ये किताब पढ़ो अपने room में। क्या हो रहा है? Nothing, Reeves. They're trying to take your room. उसको शर्म कर लो, मेरी डोली भी नहीं उठी है अभी। मेरी डोली वोली नहीं उठने वाली है, हम तुझे गधी भी भेजेंगे। आप यार कैसे कर लेते हो भाई? नो नो नो, लिसन, कुछ नहीं होने वाला है, रूम कहीं नहीं जाने वाला, ट्रस्ट मी। थैंक यू। यार वैसे भी शादी के बाद रूम मेरा होने वाला है यार। क्यों? तुझे क्यों चाहिए रीवा का रूम? इट्स गोना बी माय एस्केप पैड ऑब्वियसली। भाभी, आई एग्री, दे दो भाई को, दे दो, भूख लगी है। बेबी, मैंने सुना है तुम्हें एस्केप पैड चाहिए, राइट? मैम नहीं, मुझे क्यों एस्केप रूम चाहिए? भाई मैंने क्या ऐसा कुछ कहा? क्या मैंने कुछ कहा? नहीं भाभी, तुम तो ना मुझे बाद में मिलो जरा। बाद में कहा बेबी? लिसन ना बेबी, वेयर आर यू गोइंग? जान स्वीटहार्ट,
Guys, I'm not hungry. Breakfast? Baby, baby, listen. So guys, एक पत्ता तो कटा, अभी रूम मेरा है। Shut up, ये रूम मेरा है। नहीं ना, अरे आपा आपका आपने बढ़िया। बस करो, मेरा कान पक गया है। क्या झगड़ा करते रहते हो? देखो, अभी चुप करो। ये रूम इसी का है। आप दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मैं शनाया को नहीं मिलेगा रूम। That's all I get. मतलब, अरे मेरा ये तो वैसे भी पराई है लड़के, जाने दो इसको यार। पराई? थप्पड़ खाएगा हाथ से। मेरे साथ ऐसा करोगे अभी आप? तुम कोई फीलिंग्स नहीं है क्या मेरे पास? ऐसा कोई करता है क्या अपने भाई के साथ? मेरी बात सुनो आप। मेरे पास ना अदर फिल्म का बहुत ज्यादा कनेक्शन है, मेरी साइड ले लो, चुपचाप आपके काम आएगा। तुझे क्या लगता है मैं अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में किताबें रखने वाला हूँ? मुझे नहीं सकता। और वैसे भी बहनों की बात कौन टाल सकता है ना? थैंक यू। क्या और तुम किधर जा रहे हो? अरे यार मेरी बाइक पे आके रख के जाते हो। अरे यार किधर जा रहे हो? मेरी बात सिस्टर, डॉक्टर रेड्डी को बुलाइए। जी सर। नर्स, इसकी सांसें तो तेज हो रही हैं। मैं डॉक्टर रेड्डी को बुलाता हूँ। हाँ। आप लोग देख क्या रहे हो? कार्ड नहीं भी रेडी करो। मैम आप डॉक्टर नहीं हो, हम डॉक्टर रेडी का वेट कर सकते हैं। वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी। That was a very good call, Palak. तुम्हारी वजह से इसकी जान बच गई। सर इसीलिए तो इस प्रोफेशन में है, ताकि हर रोज किसी की जान बचा सके। You know what? तुम्हें सर्जन होना चाहिए था। My interns are useless. सर मैंने क्लिनिकल रिसर्च इसलिए चूज किया ताकि मैं नई से नई दवा इंट्रोड्यूस कर सकूं। किसी की भी जान इसलिए नहीं जानी चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम पे मेडिकेशंस अवेलेबल नहीं थी। ख्याल अच्छा है तुम्हारा, लेकिन जो आज तुमने किया है वो कुछ कम नहीं है। Keep it up. मैम ये फाइल। दिस इज फाइन, ओके, दिस लुक स्ट्रांग। डॉक्टर रेड्डी, दिस इज फाइन। फोर्थ फ्लोर, थैंक यू। का प्लेटलेट लेवल इज फाइन। कि तुम्हें जैसा लड़का चाहिए वैसा ही लड़का मिले जो मेरी रिस्पेक्ट करे। जब आप किसी से प्यार करते हो उसे बुलाना बहुत मुश्किल होता है। जिसे देखते ही लगे ही इज माय गाय। पलक नाम है उसका। दिल का कैसा है ना वो मैटर करता है। वेल वेल डॉक्टर पलक, शॉक मिलने वाला है। सर उस तरफ। थैंक यू डॉक्टर। इसमें जो मेडिसिन। Hello. Mr. Ritwik Noon, I presume. Dr. Reddy. How nice to see you. Dr. Palak se aap mile? Dr. Palak, pichle kuch mahino se aapke medicines pe clinical trials kar rahi hain. Ab sab inke haath mein hai. Acche haath mein. Excuse me for a minute. Yes? Okay. I'm so terribly sorry. There's an emergency. Palak, coffee, tea or whatever. I'll see you later. Hey, listen. Sorry about last night. Point pan, Mr. Noon. All right. So point ye hai, Dr. Palak, ki
11 डॉक्टर्स, 5 कंट्रीज की मेडिकल लैब्स और 19 मेडिकल एक्सपर्ट्स ने हमारी दवाई पर अपना स्टैंप लगा दिया है। अब आपकी बारी है। इस फाइल में मेरी सारी फाइंडिंग्स हैं। आपकी मेडिसिन मार्केट में जाने के लिए रेडी नहीं है। आपको अपने फॉर्मूला पे फिर से वर्क करना होगा। ओ डॉक्टर पालक, हार्वर्ड में MBA करने के साथ साथ मैंने 4 साल मेडिसिन भी पढ़ाई की, और मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आपकी थ्योरी गलत है। आई एम जस्ट सेइंग कि टेक अ लुक। थ्योरी नहीं, फैक्ट। तुम अभी तक गुस्सा हो? कल रात को जो कुछ भी हो उसके लिए आई एम सॉरी। ये फालतू की बकवास करने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। मूव ऑन। इस केमिकल फॉर्मूला में जो प्रॉब्लम है वो ये तो तुम नहीं कर पा रही हो। आई डोंट ब्लेम यू। मेरी किसिंग टेक्निक के बारे में बताया गया है मुझे। अब मुद्दे पे आएंगे प्लीज। कल रात को मेरे रूम में क्या कर रही थी आप? ऋत्विक नून का नाम इतना सुन लिया कि यू गॉट क्यूरियस। तुम अपने आप को ना इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो। लेट मी टेल यू, दैट मोमेंट, दैट किस, आई हेटेड इट। इट वाज हॉरिबल फॉर मी। It was the worst experience of my life. मुझे कभी नहीं लगा था मैं किसी लड़के को इतना हेट कर सकती हूँ। But you, you just crossed the limit. एक किसको लेके इतना emotion? Emotions नहीं है ये, 2 महीने से पाली हुई भड़ास है तुम्हारे लिए। ये उस लड़की के लिए जो तुमसे पागलों की तरह प्यार करती है। 2 महीने से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई और तुम उसे छोड़ के चले गए। Excuse? अरोही शर्मा, याद आया? हाँ? उसके बुरे वक्त में ना उसे एक लड़का मिला। जॉब छूटने के बाद उस लड़के ने उसका सहारा बनने की जगह उसका दिल इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिया कि उसे आज तक उभर नहीं पाई है। She could have been pregnant, you know? पर तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो उसे बोल दिया कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ में कोई और है, पर वो अपनी लाइफ नहीं जी पा रही है। इसलिए वो तुमसे पार्टी में मिलने आई थी, और इसलिए आई थी मैं उसे रोकने के लिए। ग्रेट, मेरी फाइल पे साइन कब होंगे? क्योंकि अब तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो हम काम की बात कर लेते हैं, है ना? क्योंकि तुम्हारी मेडिसिन में फॉल्ट है। 11 डॉक्टर्स ने भले ही उसे अप्रूव कर दिया हो, बट शायद गलती एक ही बार दिखती है। डैड का सपना था। This drug is going to be the future of Noon Biotechs. मेरे ख्याल से हमें Noons को साफ-साफ ना कर देना चाहिए। जी, ना बोल देना चाहिए। Well, Dr. Palak, shock मिलने वाला है तुम्हें। Join my company. Just get out. Get out of my house. Oh please, don't even bother. ऐसा कुछ नहीं तुम्हारे पास, जो मैंने पहले कभी देखा नहीं। Plus, trust me, I've seen much better.